हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशर साइंस के बारे में, कि आपको किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। देन यहाँ पे दिया गया WBUAFS एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी रिलीज होंगी एंड इसका फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशर साइंस। ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। देन आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आई डी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड हाइस्ट को, देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग क्लिक करना रहेगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आई डी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया 1995 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बेलगछिया नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ था। एंड देन वहाँ पर दिया गया है द यूनिवर्सिटी वॉज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट ने थे उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि किसी भी चीज़ का डेट आता है जैसे नोटिफिकेशन का या फिर किसी चीज़ का डेट, जैसे नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, किसी भी चीज़ का डेट। देन अगर अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट पर सबसे पहले पता चल जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में पारूल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड एलियंस यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटीज़ में, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से जो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है, क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे आपका नेम क्या, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, देन आपका एप्लीकेशन फीस कितने, हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। उसके बाद उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है। देन ये सब प्रोसेस आपको कम्प्लीट करने के बाद आप जो अपना एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया। फिर यहाँ पे रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट एग्जाम में कुछ दिन बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहेगा, क्लिक करते अपने पेज में ओपन जाएगा, जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स डिटेल, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है। उसके बाद आप भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एंड अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर पीडीएफ भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस दिया गया कि आपको किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है। यहाँ पे दिया गया वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशर्स साइंस इज़ ऑफरिंग द BBSC एंड AH एंड BTech DT एंड BFSC एट द UG लेवल। यहाँ पे UG लेवल के यहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और जो भी कैंडिडेट जो 50% जिनका आया है, या फिर ST एंड ST के लिए यहाँ पर 40% दिया गया 12th में, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैंडेटरी सब्जेक्ट में, वही लोग यहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हैं। देन अगर आपको कोई डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।